हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में जानेंगे कैसे कोई भी फाइल है, कोई भी फोल्डर है आपके कंप्यूटर में गलती से डिलीट हो गया हो या जाने अनजाने में डिलीट हो गया हो तो उसको कैसे वापस लेके आते हैं, आज इस वीडियो में जानेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो पे बने रहें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस तरह की नई नई टेक्निकल वीडियो के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। तो जानते हैं आगे वीडियो में। तो दोस्तों, जैसे ये मेरा पीसी है, इसमें आपसे गलती से कोई भी जैसे फोल्डर है, जैसे ये मेरा फोल्डर है, ये गलती से डिलीट हो गया हो, ये मेरी फाइल है, ये गलती से डिलीट हो गई है। इस तरह से आपके साथ में भी अगर गलती से इस तरह से डिलीट हो गया है, चाहे वो फाइल हो, चाहे फोल्डर हो, चाहे कोई फोटोज हो, कुछ भी चीज़ हो, तो वो गलती से अगर आपसे डिलीट हो गई है और उसको आप वापस लाना चाहते हो, तो उसके लिए दोस्तों आपको सबसे पहले रिसाइकल बिन को डबल क्लिक करना है वापस लाने के लिए। और आपने जो भी डिलीट किया है, कोई फाइल है या फोल्डर है, तो वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ से आपको उसको वापस लाने के लिए उसको राइट क्लिक करेंगे और इसको रिस्टोर को क्लिक कर देंगे। तो जहाँ से भी, जिस पास से भी ये फोल्डर डिलीट हुआ है, वहाँ पे वापस रिस्टोर हो जाएगा, वापस आ जाएगा। जैसे अभी मैंने ये डेस्कटॉप से इसको डिलीट किया था, तो वापस से ये यहाँ पे आ चुका है। तो इसी तरह से आपकी कोई भी फाइल है, जैसे मेरे ये पहले एक एक्सेल की फाइल है, ये डिलीट हो चुकी है, मैंने डिलीट की है आपको बताने के लिए। तो इसको वापस कैसे रिस्टोर करते हैं, तो वही प्रोसेस है, इसको राइट क्लिक करेंगे और इसको रिस्टोर को क्लिक कर देंगे, तो ये वापस जहाँ से डिलीट हुई है वहीं पे वापस आ जाएगी। इसी तरह ये फोटो है, अगर इसको भी मैं रिस्टोर करना चाहता हूँ तो यहाँ से ये रिस्टोर हो जाएगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपकी कोई भी फाइल है या कोई भी फोल्डर है या कोई फोटो है, कोई वीडियो है, तो डिलीट हुआ है, तो वो आप रिसाइकल बिन में जाके वहाँ से वापस रिस्टोर कर सकते हो। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और इस तरह की टेक्निकल वीडियो के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो गाइस, फिर मिलते हैं इसी तरह की वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय।